तो दोस्तों आधे यूनिवर्स को खत्म हुए बहुत टाइम हो चुका है, मतलब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर को रिलीज हुए काफी टाइम हो गया है। और अब तक बहुत से लोग इस बात से हैरान हैं कि कैसे एक बैंगन जैसे आदमी ने चुटकी बजाकर सबका भरता बना दिया। क्या सभी मरे हुए हीरोज वापस आएंगे और कैसे सब कुछ ठीक होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स की फोर्थ मूवी के बारे में। देखेंगे इस मूवी की कुछ थ्योरी और प्रेडिक्शंस और बात करेंगे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने से पहले मार्वल के सभी फैंस ही जानते थे कि थैनोस अपने मिशन में जरूर सक्सेसफुल होगा और वो यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर देगा। लेकिन किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इस फिल्म में इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मारे जाएंगे। अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी है तो आप जानते होंगे कि थैनोस की चुटकी बजाने के बाद जितने लोग मारे गए वो सब जरूर वापस जिंदा होंगे। लेकिन थैनोस की चुटकी बजाने से पहले भी बहुत से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स मारे गए। हालांकि जो कैरेक्टर्स पहले मारे गए उनके जिंदा होने के चांस थोड़े कम है, लेकिन इनमें से कुछ कैरेक्टर्स है जो कि जिंदा हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स पहले मारे गए वो कैसे वापस आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गमोरा की। फिल्म में थैनोस ने सोल स्टोन हासिल करने के लिए गमोरा को सैक्रिफाइस कर दिया, और जब थैनोस को सोल स्टोन मिला तब सभी ने ये मान लिया कि गमोरा मर चुकी है। लेकिन मूवी के एंड में हमने थैनोस को एक अजीब सी जगह पर देखा जहां गमोरा अपने बचपन वाले रूप में थी। ये जगह है सोल वर्ल्ड, जो कि सोल स्टोन के अंदर है। इसका मतलब गमोरा मरी नहीं है, वो बस सोल स्टोन के अंदर कैद है, और वो एवेंजर्स 4 में जरूर वापस आएगी। अगले कैरेक्टर की बात करें जो कि जिंदा हो सकता है, वो है विजन। मूवी में हमने देखा कि थैनोस ने माइंड स्टोन निकालने के लिए विजन को मार दिया। विजन की डेथ बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि विजन ना तो इंसान है ना ही कोई एलियन। विजन एक एंड्रॉयड है जिसका दिमाग बना है जार्विस, अल्ट्रॉन और माइंड स्टोन से। मूवी में ब्लैक पैंथर यानी टचाला की बहन शूरी विजन की बॉडी से माइंड स्टोन निकालना चाह रही थी, पर बीच में ही कॉर्वस ग्लेव ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि शूरी विजन की बॉडी से माइंड स्टोन निकाल नहीं पाई, लेकिन शायद शूरी ने विजन के ब्रेन का सारा डेटा डाउनलोड कर लिया था, और माइंड स्टोन निकालने के बाद सिर्फ विजन का हेड ही डैमेज हुआ है, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी सेफ है। मतलब विजन के ब्रेन की इन्फॉर्मेशन और वकांडा की टेक्नोलॉजी का यूज करके विजन को जिंदा किया जा सकता है। कॉमिक्स में भी एक बार विजन को वापस ठीक किया गया था, और उसके बाद विजन की बॉडी का कलर चेंज हो गया था। इसके बाद है लोकी। लोकी कई बार मरने का नाटक कर चुका है, इसीलिए उसकी डेथ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोकी का इतनी आसानी से मरना, ये बात बिल्कुल अजीब लगती है। रिसेंटली एक थ्योरी सामने आई है जिसके हिसाब से लोकी अभी भी जिंदा है और वो ब्रूस बैनर के रूप में है। ये फैन थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इससे हमें कई सवालों के जवाब मिलते हैं, जैसे कि ब्रूस बैनर हल्क क्यों नहीं बन पा रहा था, और उसे थैनोस के बारे में सब कुछ याद कैसे था, क्योंकि जब भी हल्क वापस ह्यूमन फॉर्म में आता है तो उसे पहले का कुछ भी याद नहीं रहता। इसीलिए इन सभी बातों को देखकर ये लगता है कि लोकी अभी भी जिंदा है। तो फिर असली ब्रूस बैनर यानी हल्क कहां पर है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैनोस जब एसगार्ड के शिप पर आया था तब वहां पर कुछ कैरेक्टर्स मिसिंग थे, जैसे कि वेलकरी, कॉर्ग और मीक। तो हो सकता है कि असली हल्क उन्हीं के साथ हो। अब बात करते हैं अगली फैन थ्योरी की। इस बार हमने फिल्म में देखा रेड स्कल को। अगर आप नहीं जानते कि रेड स्कल कौन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेड स्कल कैप्टन अमेरिका पार्ट 1 का विलेन है। उस मूवी के एंड में जब रेड स्कल ने टेसरेक क्यूब को उठा लिया था तब वो वहां से कहीं टेलीपोर्ट हो गया था, और हमें इन्फिनिटी वॉर में पता चला कि रेड स्कल वॉर्मिर नाम के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो गया था। मूवी में रेड स्कल ने बताया कि उसे उसके बुरे इरादों की वजह से एक कर्स यानी श्राप मिला है। इस कर्स की वजह से रेड स्कल स्टोन कीपर बन गया था, और वो कई सालों से सोल स्टोन को प्रोटेक्ट कर रहा था। जो लोग सोल स्टोन को लेने के लिए जाते वो उन्हें गाइड करता था। रेड स्कल को उसके कर्स के साथ कुछ पावर्स भी मिली थी, जिसकी वजह से उसे यूनिवर्स की हर चीज का नॉलेज हासिल हो चुका है, और अब वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के बारे में जान गया है। थैनोस के सोल स्टोन हासिल करने के बाद रेड स्कल का कर्ज भी खत्म हो चुका है, और अब वो आजाद हो गया है। इसका मतलब रेड स्कल हमें आने वाली मूवीज में फिर से दिख सकता है। हो सकता है कि वो खुद सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करके यूनिवर्स को कंट्रोल करना चाहे। इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद बहुत से लोग इस बात से हैरान है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन क्यों दिया। वैसे आपको अब तक इस बारे में पता चल गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मूवी में हमने देखा कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन और स्पाइडरमैन टाइटन प्लेनेट की तरफ जा रहे थे
तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी स्टार्क से कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की जान ही क्यों ना चली जाए, फिर भी वो टाइम स्टोन को ही बचाएंगे। लेकिन बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयरन मैन की जान बचाने के लिए थैनोस को टाइम स्टोन दे दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा क्यों किया, इसका रीजन जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब टाइटन पर स्टार लॉर्ड और बाकी सभी लोग थैनोस से निपटने का प्लान बना रहे थे, तब डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज किया था फ्यूचर देखने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज ने फ्यूचर की वो सारी पॉसिबिलिटीज देखी जिसमें थैनोस से सबकी लड़ाई हुई, और टोटल 1,40,605 पॉसिबिलिटीज देखने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता चला कि सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें वो थैनोस से जीत सकते हैं। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखकर थैनोस को टाइम स्टोन दिया। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज को ये पता है कि थैनोस को कैसे हराया जा सकता है, और उसके लिए दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि आयरन मैन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसकी जान बचाई। और दूसरी बात ये कि थैनोस को हराने के लिए पहले उसे जीतने देना जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रेडिक्शन की कि एवेंजर्स 4 में क्या होने वाला है और कैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता है। थैनोस ने जो कुछ भी किया है उसे ठीक करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स लेने से रोका जाए, या फिर दोबारा सभी इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके सब कुछ पहले जैसा कर दिया जाए। लेकिन थैनोस से इन्फिनिटी स्टोन्स लेना इतना आसान काम नहीं है। काफी टाइम से इंटरनेट पर एवेंजर्स 4 की सेट इमेजेस अवेलेबल है, जिससे हमें मूवी की स्टोरी का एक आइडिया मिलता है। इन फोटोज में कैप्टन अमेरिका अपने पुराने लुक में दिख रहे हैं, और कैप्टन ने वही सूट पहना है जो कि उन्होंने एवेंजर्स 1 में न्यूयॉर्क की लड़ाई के टाइम पर पहना था। इसके साथ ही इन फोटोज में टोनी स्टार्क और एंटमैन भी है, जिसे देखकर सबसे पहले तो ये बात समझ में आती है कि थैनोस के आधी पॉपुलेशन खत्म करने के बाद जो लोग जिंदा बचे हैं उनमें एंटमैन भी शामिल है। इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद सभी फैंस ने इन फोटोज के बारे में ये सोचा कि एवेंजर्स 4 में टाइम ट्रेवल दिखाया जाएगा। मतलब आयरन मैन और एंटमैन टाइम ट्रेवल का यूज करके थैनोस को सभी इन्फिनिटी स्टोन जमा करने से रोकेंगे। अगर एवेंजर्स 4 में सच में टाइम ट्रेवल होने वाला है तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बिना टाइम स्टोन के टाइम ट्रेवल कैसे पॉसिबल है। इसका जवाब है एंटमैन। 2015 की पहली एंटमैन मूवी में हमें क्वांटम रियल्म के बारे में पता चला। क्वांटम रियल्म का मतलब है सब एटॉमिक लेवल। एमसीयू में इसे अल्टरनेट डायमेंशन भी कहा गया है। एंटमैन एंड द वॉस मूवी में क्वांटम रियल्म के बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। मूवी का तो अभी पता नहीं, लेकिन एक्चुअल साइंस की बात करें तो क्वांटम रियल्म यानी सब एटॉमिक लेवल पर बहुत ही छोटे पोर्टल्स मिलते हैं, जिसे वॉर्म होल कहा जाता है। वॉर्म होल्स वो पोर्टल है जिसकी मदद से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। ये तो हुई टाइम ट्रेवल की बात। रिसेंटली बार्सिलोना में एवेंजर्स 4 की फुटेज दिखाई गई। इस फुटेज को देखने वाले लोगों ने बताया कि एवेंजर्स 4 में टाइम ट्रेवल के बजाय मल्टीपल रियलिटी देखने को मिलेगी। जो भी हीरो जिंदा बचे हैं वो अलग अलग रियलिटी में जाकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करेंगे, और हमारे हीरोज मल्टीपल रियलिटी यानी पैरेलल यूनिवर्स में कैसे जाएंगे, इसका जवाब भी एंटमैन ही है। एवेंजर्स 4 की सेट इमेजेस को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ कैप्टन अमेरिका और टोनी स्टार्क के हाथ पर एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ है। ये टेक्नोलॉजी एंटमैन से रिलेटेड है, क्योंकि एंटमैन के सूट में ये डिवाइस पहले से ही अटैच है। शायद इसी टेक्नोलॉजी की वजह से मूवी में अल्टरनेट रियलिटी या टाइम ट्रेवल का यूज किया जाए। इन फोटोज में और भी बहुत कुछ दिखता है। हम यहाँ थॉर को उसके पुराने लुक में म्यूनिर के साथ देख सकते हैं। ब्रूस बैनर यहाँ हल्क के फॉर्म में है, और यहाँ पर लोकी भी है। इन फोटोज में एक और नोट करने वाली बात है टोनी स्टार्क का गेटअप। यहाँ पर टोनी ने शील्ड एजेंट का यूनिफॉर्म पहना है। टोनी ने ये यूनिफॉर्म क्यों पहना है, इसका जवाब हमें दूसरी फोटोज में मिलता है। यहाँ पर लोकी के पीछे एक शील्ड एजेंट है जिसने बिल्कुल वैसा ही यूनिफॉर्म पहना है जैसा कि टोनी ने पहना है, और यहाँ पर लोकी के पीछे का जो बैकग्राउंड है वैसा ही बैकग्राउंड हमें टोनी स्टार के पीछे दिखता है। तो इस सब को देखकर ये लगता है कि टोनी ने लोकी को छुड़वाने के लिए शील्ड एजेंट का यूनिफॉर्म पहना है, और शायद टोनी लोकी को इसीलिए छुड़वाना चाहता है क्योंकि उस टाइम पर लोकी के पास टेसरे क्यूब था, और शायद टोनी उससे टेसरे क्यूब लेना चाहता है। इसके अलावा यहाँ पर टोनी दूसरे गेटअप में भी दिखता है। यहाँ पर उसकी टी शर्ट और हेयर का कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एवेंजर्स 1 में था। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग टोनी स्टार्क है, एक टोनी फ्यूचर का और दूसरा टोनी स्टार्क पास्ट या फिर किसी और रियलिटी का। ये सब टाइम ट्रेवल है या मल्टीपल रियलिटी, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल बात करते हैं कि हमारे हीरोज इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करने के बाद क्या करने वाले हैं या क्या कर सकते हैं।
इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर अपना नया हथियार बनाने के लिए नीडल वेलर पर गया था, तब वहां पर हमने एक और इन्फिनिटी गाउंटलेट देखा था। ये इन्फिनिटी गाउंटलेट एक प्रोटोटाइप मतलब एक सैंपल था जिसे ओरिजिनल गाउंटलेट के पहले बनाया गया था। तो हो सकता है कि सभी हीरोज अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन जमा करने के बाद इस गाउंटलेट में लगाए ताकि इसका यूज करके सब कुछ पहले जैसा किया जा सके। लेकिन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को एक साथ यूज करने के लिए उसके यूजर का भी उतना ही पावरफुल होना जरूरी है। एमसीयू में फिलहाल एक ही ऐसा सुपर हीरो है जो कि सबसे पावरफुल है और वो है कैप्टन मार्वल। सभी फैंस का ये मानना है कि एवेंजर्स 4 में कैप्टन मार्वल इन्फिनिटी गाउंटलेट का यूज करके सब कुछ ठीक करेंगी। कैप्टन मार्वल कौन है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों ये थी एवेंजर्स 4 से जुड़ी हुई कुछ थ्योरी और प्रेडिक्शंस। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सही लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.